मोमेंट पे इधर नंबर था तो आज के निर्माण की कोशिश जिला तथा हम पोतर पहाड़ी तरफ के चेयरमैन अभाज कचोपुर खान साहब खुशी मिनट में यहाँ तशरी फरमाएंगे। साथ साथ हमारे मुख्य कन्या करके जिला संतोष सुंदर साहब आएगा, साथ साथ एसपी करके जिला इंद्र चंद्र साहब आएंगे। एक दूसरे को खिलाड़ी को पार करते हुए गोलकीपर भी लेना पेनल्टी तो सोचा आज के इस फाइनल मैच में। अभी तक कोई स्कोर नहीं पर एक अच्छा मौका वुमेन सीनियर के लिए बहुत मौका मिला है। Bye.
Thank you.
कौन है वो? मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि जो तमाम यहाँ वुमेन सीनियर टीम ने यहाँ बनाया है उस शानदार वहां डिफेंस के लिए गोल्टी के द्वारा बिल्कुल चक्कर की तरह रख रहे हैं ताकि यहाँ और मजीद खोलना साहब हमारे यूथ सर्जन स्पोर्ट्स ऑफिसर ले हमारे लद्दाख हैंडबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अली साहब बाकी हमारे यहाँ हैंडबॉल टूर्नामेंट में और आज के रनर्स और विनर्स सारे प्लेयर्स आप सबको मेरी तरफ से सलाम जुले। सबसे पहले मैं आज के जो विनर हैं हमारे यूनाइटेड कारगिल उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने जो है स्टेट लेवल चैम्पियनशिप जीता है और साथ ही हमारे रनर्स जो ले से आए हैं बहुत ही बेहतरीन गेम हमको यहाँ पे आप लोगों ने दिखाया। हर जीत जो है वो गेम का हिस्सा होता है लेकिन जो गेम आप लोगों ने यहाँ पे दिखाया वाकई वो एक बहुत ही स्टैंडर्ड गेम हम कहें एक कंपटीशन आप लोगों ने दिखाया उसके लिए दोनों टीमों को मैं बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। और पर्टिकुलरली जो टीमें हमारी ले से आए हैं जिसमें हमारी वुमेन्स टीम भी है उनको हम वेलकम करते हैं क्योंकि ये जो बड़े शॉर्ट नोटिस में टूर्नामेंट हुआ है मुझे तो मालूम बिल्कुल इन्होंने हमारे साथ डिस्कस नहीं किया। टूर्नामेंट से पहले अगर डिस्कस किया होता तो हो सकता है हमने बेटर आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड किया होता। सिर्फ मुझे कल एक फोन आया कि आपको फाइनल में यहाँ पे जो है ऐसे चीफ गेस्ट आना है तो हालांकि मुझे अभी कहीं जल्दी जाना था फिर भी जब मैंने सुना कि हमारे ले से भी टीमें हैं तो आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन ये जरूर एश्योर करता हूँ कि नेक्स्ट टूर्नामेंट जब होगा हम सब मिल बैठ के जो है जिस तरह से हमने अभी फर्स्ट एलजी का पोलो मैच द्रास में किया बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइज किया 14 टीमों ने पार्टिसिपेट किया जिसमें हमारे ले से भी 3 टीमों ने पार्टिसिपेट किया तो वहां पर भी लद्दाख स्काउट्स ने इस बार वहां का चैंपियनशिप इस साल ले लिया। मैं समझता हूँ कि ये जो गेम्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ यूटी हमारे बच्चों को जो है हर गेम में चाहे वो आपका हैंडबॉल हो वॉलीबॉल हो फुटबॉल हो आइस हॉकी हो पोलो हो बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसका आप लोगों को जो यूथ है उनको उसका फायदा लेना है। आप लोगों को बाकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको आपको अपॉर्चुनिटीज बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर कोच वगैरह जो है हम आपको प्रोवाइड करने की हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैं मानता हूं कि यहां पे ग्राउंड की कमी है लेकिन अभी पेराफ्रीज में हम ग्राउंड बना रहे हैं। हमारा प्लेन का ग्राउंड ऑलरेडी तैयार हो चुका है हमारा अक्षमल में बन रहा है हमारा गोमा करगिल में बन रहा है तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि किसी अच्छे जगह पर एक एक्सक्लूसिवली एक ग्राउंड जो है वो हैंडबॉल के लिए बने तो हम आपका जरूर कोशिश करेंगे। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक बार फिर लद्दाख हैंडबॉल एसोसिएशन के जितने भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं उनको कंग्रेचुलेट करता हूं कि उन्होंने दोनों ले के टीम को भी यहां बुलाया। अब मुझे लगता है नेक्स्ट हमारे करगिल की टीम को वहां जाना चाहिए वहां पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें और जो भी हम कर सकते हैं अपनी तरह से वो हम जरूर करेंगे लेकिन जो टीमें हमारी मेहमान टीम जो ले से आए हैं हम उनसे माजरत चाहते हैं कि क्योंकि हमें इन वेल इन टाइम हमें इन्फॉर्म नहीं था अदरवाइज वी कुड हैव अरेंज बेटर फैसिलिटीज फॉर यू पीपल तो इंशाल्लाह एक्सपेक्ट करेंगे नेक्स्ट ईयर जब आप आएंगे जिस प्लेटफॉर्म में भी तो हम अच्छा जो है
आपको टूर्नामेंट या बैठने का हम अच्छा सा जो है आपको प्रोवाइड करेंगे। और इसी तरह करगिल की टीम अगर ले जाना हुआ तो आप हमसे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। जैसे अभी अभी अली साहब ने फरमाया कि जब मिशन, जैसे हम बोलते हैं स्पोर्ट्स, क्योंकि सारा पैसा जो है वो स्पोर्ट्स काउंसिल के थ्रू आता है, जैसे आप लोगों को पता है जब हम स्टेट में थे, तो अभी हमारा लद्दाख का जो है स्पोर्ट्स काउंसिल बना नहीं है, इसलिए जो है हमारे प्राइवेट क्लब्स को फंड्स देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए हम कोशिश करेंगे, जब तक फॉर्म होता है स्पोर्ट्स काउंसिल तब तक के लिए हम कोई प्रोविजन रखने की कोशिश करेंगे, ताकि जो क्लब्स हमारे बने हुए हैं उनको भी कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट जरूर मिले, ये हमारी तरफ से कोशिश होगी। फाइनली मैं एक बार फिर जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं, जितने भी यहाँ पे आपके टेक्निकल स्टाफ थे, आपके कोचेस थे, आपके आप लोगों ने बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाया, और खासकर आज के जो जो रेफरीज थे बड़ा टफ था, उनको डिसीजन लेना पड़ा, उसके लिए भी मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ कि खुश असलूबी से उन्होंने इस टूर्नामेंट को जो है खत्म हुआ। तो फाइनली आज के रनर्स विनर जितने भी हैं, और ये इनाम देने के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड सपोर्ट ऑफिसर करगिल मोहम्मद हुसैन से गुजारिश करता हूँ कि वो इन टीमों के कप्तानों को इनाम से नवाजे। टीम के कप्तान आए और अपना इनाम ले मोहम्मद हुसैन रहनुमा के हाथों से। करगिल यूनिवर्सिटी के कप्तान कलब जूनियर, कैसी करगिल मिंजी हैंडबॉल क्लब यूनाइटेड करगिल टी वाइस मैन, बॉस में वामला वॉरियर्स, बॉस में यूनिवर्सिटी करगिल के कप्तान कैसी करगिल के कप्तान और ब्यूटीफुल वॉइस के बेस्ट प्लेयर वुमेन फिरोज खान साहब। मैं